सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो इस समय आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का रोमांच काफी जोरों शोर से है, जहां कई सारी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की ओर काफी आगे तेजी से बढ़ रही हैं। वहीं दूसरी ओर अब तक टीम इंडिया का सफर टी20 वर्ल्ड कप 2021 में बेहद ही खराब रहा है। टीम इंडिया ने काफी निराश किया है अपने सभी फैंस को, जहाँ भारतीय बल्लेबाजों ने खासतौर पर पहले और दूसरे मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ अपने पहले मैच में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, पाकिस्तान ने भारत को एक तरफा हराया था 10 विकेट के बड़े अंतर से। तो वहीं टी20 वर्ल्ड कप 2021 के दूसरे मुकाबले में भी भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के हाथों काफी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। यहां पर भी न्यूजीलैंड ने एक तरफा हराया टीम इंडिया को 8 विकेट के बड़े अंतर से। अब इस दो करारी हार के बाद कहीं ना कहीं टीम इंडिया की राह काफी मुश्किल हो चुकी है टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया के चांस खत्म हो चुके हैं टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन फिर भी यहां पर टीम इंडिया के पास एक और रास्ता बचा है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अगर ऐसा हो जाता तो फिर टीम इंडिया 100% कंफर्म है कि सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो क्या है सिनेरियो टीम इंडिया का सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए, इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि टीम इंडिया ने अब तक इस टी20 वर्ल्ड कप 2021 में 2 मुकाबले खेले सुपर 12 में। अब बाकी बचे हैं 3 मुकाबले, एक अफगानिस्तान के खिलाफ तो एक स्कॉटलैंड के खिलाफ और एक नामीबिया के खिलाफ मुकाबला। अब यहां पर टीम इंडिया के जो 3 मुकाबले बचे हैं वो काफी छोटी छोटी टीमों के खिलाफ हैं। हालांकि यहां पर अफगानिस्तान की टीम परेशान जरूर कर सकती है। तो टीम इंडिया आखिर कैसे पहुंचेगी सेमीफाइनल में, उस सिनेरियो की बात करने से पहले चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है पॉइंट्स टेबल, अंक तालिका क्या है, कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है। तो कुछ इस तरह से पूरा पॉइंट्स टेबल, जो कि ग्रुप 1 का पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरह से। नंबर 1 पर इंग्लैंड की टीम है, 3 मैच खेली है, 3 मैचों में शानदार जीत प्लस 3.948 इनका नेट रन रेट है, 6 अंक है। तो वही नंबर 2 पर साउथ अफ्रीका, 3 मैच खेली, 2 में जीत 1 में हार प्लस 0.210 इनका नेट रन रेट है, 4 अंक है। जबकि नंबर 3 पर ऑस्ट्रेलिया, 3 मैच खेली, 2 में जीत 1 में हार माइनस 0.627 इनका नेट रन रेट है, 4 अंक है। तो वही नंबर 4 पर श्रीलंका की टीम है, 3 मैच खेली, 1 में जीत 2 में हार माइनस 0.350, 2 अंक है इस टीम के। तो वही नंबर 5 पर वेस्ट इंडीज की टीम, 3 मैच खेली, 1 में जीत 2 में हार माइनस 1.598 इनका नेट रन रेट है, 2 अंक है। तो वही नंबर 6 पर बांग्लादेश की टीम है, जो कि 3 मैच खेली है, 1 भी मैच में जीत नहीं मिली, 3 के तीनों ही मैचों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, माइनस 1.069 इनका नेट रन रेट है। जो कि फिलहाल ग्रुप 1 से बांग्लादेश की टीम ऑफिशियली बाहर हो चुकी है टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस से, क्योंकि शुरुआती 3 के तीनों ही मैच में इस टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। और यहां पर इंग्लैंड की टीम ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि क्वालिफाई कर चुकी है सेमीफाइनल के लिए ग्रुप 1 से। अब अगर हम बात करें ग्रुप 2 के बारे में तो कुछ इस तरह से है ग्रुप 2 का अंक तालिका पॉइंट्स टेबल। नंबर 1 पर फिलहाल पाकिस्तान की टीम है, 3 मैच खेली, 3 मैचों में शानदार जीत मिली है इस टीम को, प्लस 0.638 इनका नेट रन रेट है, 6 अंक है। तो वही नंबर 2 पर अफगानिस्तान की टीम है, 3 मैच खेली, 2 में जीत 1 में हार प्लस 3.097 इनका नेट रन रेट है, 4 अंक है। नंबर 3 पर न्यूजीलैंड की टीम आ गई है, 2 मैच खेली, 1 में जीत 1 में हार प्लस 0.765 इनका नेट रन रेट है, 2 अंक है। तो वही नंबर 4 पर नामीबिया की टीम है, 2 मैच खेली, 1 में जीत 1 में हार माइनस 1.287 इनका नेट रन रेट है, 2 अंक है। तो वही नंबर 5 पर टीम इंडिया, 2 मैच खेली, 2 मैचों में शर्मनाक हार मिली है, माइनस 1.609 टीम इंडिया का नेट रन रेट है और 0 अंक है। तो वही नंबर 6 पर स्कॉटलैंड की टीम है, 2 मैच खेली, 2 में हार माइनस 3.562 इनका नेट रन रेट है। तो ये रहा टी20 वर्ल्ड कप 2021 का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, जहां ग्रुप 1 से टॉप की 2 टीम क्वालिफाई करने वाली है सेमीफाइनल के लिए। तो वहीं ग्रुप 2 से भी टॉप की 2 टीम ही क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए। अब ग्रुप 2 से पाकिस्तान की जगह तो कंफर्म हो चुकी है सेमीफाइनल के लिए पहले से ही, क्योंकि शुरुआती 3 के 3 बड़े मुकाबले पाकिस्तान की टीम ने जीत लिए और अपनी जगह कंफर्म कर लिए सेमीफाइनल के लिए। अब ऐसे में ग्रुप 2 से दूसरे स्थान के लिए 3 टीमों के बीच अभी फिलहाल लड़ाई चल रही है, एक अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच तो तगड़ी लड़ाई है। तो वहीं टीम इंडिया भी फिलहाल रेस में बना हुआ है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। अब इन 3 टीमों में से कोई एक टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी, जहां पर अफगानिस्तान का नेट रन रेट अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन है, काफी बढ़िया नेट रन रेट है। तो वहीं टीम इंडिया के नेट रन रेट फिलहाल माइनस में है। अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का सिनेरियो टीम इंडिया का कुछ इस तरह से है, चांस टीम इंडिया का कुछ इस तरह से है कि पहला काम तो टीम इंडिया को यही करना है कि अपने बाकी बचे जो 3 मुकाबले हैं, एक अफगानिस्तान के खिलाफ, एक स्कॉटलैंड और एक नामीबिया के खिलाफ, इन 3 के तीनों ही मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज करनी है टीम इंडिया को। उधर अफगानिस्तान की टीम बस न्यूजीलैंड को हरा दे, यहां पर टीम इंडिया का राह पूरी तरह से खाली हो जाएगा सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। बात करें एग्जैक्ट अंतर के बारे में कि आखिर टीम इंडिया को कितने कितने रनों से जीतना होगा इन 3 टीमों के खिलाफ और अफगानिस्तान की टीम को
न्यूजीलैंड को कितने अंतर से हराना होगा, तब जाकर टीम इंडिया डायरेक्ट क्वालिफाई कर पाएगी सेमीफाइनल के लिए। तो आपको बता दें कि टीम इंडिया को अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया, इन तीन छोटी टीमों को लगभग 70 रन के आसपास से हराना होगा इन तीन की तीनों ही टीमों को। इससे होगा ये कि टीम इंडिया का रिटर्न रेट जो है वो अफगानिस्तान से बेहतर हो जाएगा। अब यहां पर दूसरा काम यह करना है कि अफगानिस्तान की टीम को न्यूजीलैंड की टीम को हराना है लगभग 45 रन के आसपास से। इस तरह से टीम इंडिया 100% कंफर्म है कि क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। यही एक आखिरी और अंतिम रास्ता बचा है टीम इंडिया के लिए। तो गाइस जरा सिनेरियो टीम इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए सेमीफाइनल में। फिलहाल इस वीडियो में बस नहीं, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लें। यहां पर दुनिया में सबसे तेज, सबसे फास्टेस्ट अपडेट दी जाती है क्रिकेट की, उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।